पुष्प वाटिका प्रसंग से पहले तुलसीदास जी ने सीय स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। आए देखन चापमख धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, जहां धनु मख हित भूमि बनाई। पर स्वयंवर शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि स्वयंवर मतलब होता है जहां पर कन्या स्वयंवर का वरण करे, पर ये कोई स्वयंवर थोड़ी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनय विचार करे हरते। जो धनुष को तोड़ेगा चाहे वो कोई भी हो उसका विवाह करा दिया जाएगा, ये कोई स्वयंवर थोड़ी है। पुष्प वाटिका प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी मिले और दोनों ने एक दूसरे का वरण कर लिया। श्री सीता जी ने लोचन मग राम ही उर आनी, दीने कपट खड़पास सयानी। श्री सीता जी ने अपने नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में बिठा लिया और फिर नेत्र बंद कर लिए ताकि फिर निकल ना पाए राम जी। और राम जी ने क्या किया, परम प्रेममय मृदु मशिकीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम रूपी स्याही अपने हृदय रूपी स्लेट में सीता जी का चित्र बना लिया। तो श्री सीता जी ने जब राम जी का वरण कर लिया और राम जी ने जब सीता जी का वरण कर लिया तो फिर बाबा लिखते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए, सीय स्वयंवर का शब्द का प्रयोग किया। अब गुरुदेव कहते हैं ईश का हिधो दे बड़ाई, ईश्वर किसे बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल यही गुरुदेव कह रहे थे कि सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे और आज कह रहे हैं ईश्वर किसे बड़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने गुरुदेव को याद दिलाया और कहा, लखन कहा जिस भाजन सोई, लखन कहा जिस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन बनेगा। हर्षे मुनि सब बर सुनी बानी, सब ही आशीष दीन मन माही। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब गुरुदेव स्वयंवर सभा में पधारे, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे मही पा। सब मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब उच्च आसन पर आसीन हुए गुरुदेव राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। अब राम जी तो एक देखने वाले अनेक, देख ही रूप महारन धीरा, देख ही रूप मन हुवी
ऐसे बलवान राजाओं को भगवान ऐसे दिखे जैसे स्वयं वीर रथ विराजमान हो। अच्छा, योगियों ने कैसे देखा? कहा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सहज शम शुद्ध प्रकाश। योगी परम तत्व के रूप में श्री राम जी को देखते हैं। भगवान जैसे शांत हो गए और विद्वानों ने कैसे देखा? कहा, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा, सहस्त्र शीरखा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। भगवान के हजारों मुख, हजारों हाथ पांव, ऐसे विद्वान विराट रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। अब कुछ राक्षस राजाओं का विष बनाकर सभा में आ गए थे, तो रहे असुर छल छौनिप वेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उनको भगवान काल की तरह लगे। और जनक जी के जो संबंधी जन हैं, जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, जैसे हमारे रिश्तेदार हो। बाबा ने सबका बताया तो किसी ने बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा, आपने सबका बता दिया कि कौन कैसे श्री राम जी को देखते हैं, पर अब जरा ये भी तो बतावें कि श्री सीता जी राम जी को कैसे देख रही हैं। सीता जी, तो तुलसीदास जी बोले कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों, आपने सबका बताया तो आप सीता जी का क्यों नहीं बता सकते? कहा कि क्योंकि सीता जी खुद नहीं बता पा रही हैं कि हम राम जी को कैसे देख रहे हैं। और अनुभवति ना कह सको सो, कवन प्रकार कहे कवि को। पूज्यपाद विंदु जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, प्रिय पाहुने के प्रत प्रीत बधु, प्रगटी नहीं घूंघट मैं ही रही, अनुराग उमंग तरंगिनी भी, तट सेना बड़ी तट ही में रही, दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट मैं ही रही, और घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। और अनुभवति ना कह शक शो, कवन प्रकार कहे कवि को। अब जनक जी ने वंदी जनों को बुलाया। तब वंदी जन जनक बोला,